हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आईपीआर मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, बौद्धिक संपदा अधिकार आपको समझा दिया है, और एक एक करके आपको बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताती जाऊंगी। तो आज हम दो आईपीआर डिस्कस करने वाले हैं, पेटेंट क्या है और ट्रेडमार्क क्या है। ठीक है, इन पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं क्या है पेटेंट। ठीक है, तो सबसे पहले पेटेंट, पेटेंट क्या है ये पढ़ लेना आराम से, घर पे सुन लो पहले। तो पेटेंट जो होता है बेसिकली एक तरह का कानूनी अधिकार है, इट इज़ अ लीगल राइट। ठीक है, ये किसी भी इंसान को जो पेटेंट के लिए एप्लीकेशन करता है, जो पेटेंट के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसे ये अधिकार, कानूनी अधिकार दिया जाता है उसके किसी आविष्कार के लिए, उसके किसी खोज के लिए, उसके किसी उत्पत्ति के लिए, उसके किसी आइडिया के लिए। ठीक है, तो जैसे आप कुछ नया बनाते हैं, आप कुछ नया खोजते हैं, आप कुछ सोचते हैं, तो उसके लिए आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं, पेटेंट लगा सकते हैं, और आपने जो उत्पाद बनाया है या आपने कोई प्रोसेस बनाई है उसका उपयोग, कमर्शियल उपयोग, व्यापारिक उपयोग कोई नहीं कर सकता जब तक आपसे परमिशन ना ली जाए। ठीक है, तो फिर से देखना, पेटेंट क्या हो गया, इट इज़ अ लीगल राइट। सबसे पहले पेटेंट एक कानूनी अधिकार है, किसको दिया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति, फॉर अ सिंगल पर्सन एंड ऑल्सो फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था को भी दिया जा सकता है। कब दिया जाता है, जब आप कोई उत्पाद, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई डिस्कवरी करते हैं, आपने कोई आइडिया बनाया, आपने कोई डिज़ाइन बनाया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं। तो आप पेटेंट एक्ट जो है उसका यूज़ करके आप जाइए और आप गवर्नमेंट को बोलिए कि सर ये मेरी डिज़ाइन है, ये मेरा उत्पाद है, मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई भी इसका व्यापारिक उपयोग करे। तो बस फिर वो प्रोडक्ट जो है वो आपके नाम से पेटेंट कर लिया जाता है कि भाई ये एक्स वाई जेड का पेटेंट है, और उनकी परमिशन के बिना कोई और उस उत्पाद को यूज़ नहीं कर सकता, या व्यापारिक उत्पादन, कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं कर सकता। और यदि ऐसा करता है तो ये जो है क्या हो जाता है, कानूनी अपराध, इलीगल है। ठीक है, चलो, जो पेटेंट होता है या पेटेंट प्रोटेक्शन जो होता है ये लगभग कितने सालों के लिए मिलता है, ये 20 सालों के लिए मिलता है। ठीक है, लगभग 20 वर्षों के लिए मिलता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जो 20 सालों के लिए मिलता है, इसके साथ साथ जिस देश में आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, जिस देश में आपने पेटेंट के लिए आवेदन दिया है, उसी देश में बस आपको पेटेंट मिलता है। लाइक आपने इंडिया में आपने पेटेंट फाइल किया, आपने पेटेंट मांगा कि भाई इस तरीके से यदि हम लोग ये काढ़ा बनाएंगे, ये काढ़ा पियेंगे तो सर्दी खांसी नहीं होगी। ठीक है, तो आपने पेटेंट कर लिया कि भाई ये काढ़ा का जो फॉर्मूला है जिससे सर्दी खांसी नहीं हो रही, ये मेरा है, मेरे नाम पे है। अब उस काढ़े का व्यापारिक उपयोग, कमर्शियल प्रोडक्शन कोई और नहीं कर सकता। ठीक है, कब तक नहीं कर सकता, 20 साल तक। और कहाँ नहीं कर सकता, सिर्फ इंडिया में। वो चाहे तो इसी काढ़े का कमर्शियल प्रोडक्शन अमेरिका में या इंग्लैंड में या फिर रशिया में कर सकता है, क्योंकि आपका जो पेटेंट है वो आपको कहाँ तक के लिए मिला है, किस क्षेत्र तक के लिए मिला है, सिर्फ भारतीय सीमा क्षेत्र के लिए, सिर्फ इंडियन टेरिटरी के लिए आपको वो मिला है, ये याद रखना। ठीक है, तो जो है ये राइट जो होता है टेरिटोरियल होता है, एक स्थानीय सीमा में बंधा होता है, मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है, और आप इसे रिन्यू करा सकते हैं बार बार। इस पेटेंट के अधिकार को आप बार बार एप्लीकेशन रिन्यू करा के बढ़ा सकते हैं। चलो, भारत में जो पेटेंट दिया जाता है उसके लिए एक नियम आया था, एक कानून आया था, जिसे कहते हैं इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, 1970 का जो पेटेंट एक्ट है उसके अंतर्गत हमें पेटेंट के अधिकार दिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी तक लगभग 8 बार संशोधन या अमेंडमेंट हो चुका है इस पेटेंट एक्ट में। ठीक है, जो रीसेंट हुआ है वो 2018 में हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो पेटेंट एक्ट है 1970 या पेटेंट नियम कोई भी है, वो किन किन प्रकार के उत्पादों के लिए, किन चीज़ों के लिए मिलता है। तो हम लगभग 3 चीज़ों के लिए पेटेंट ले सकते हैं, किसी यूटिलिटी के लिए यानी किसी की सुविधा के लिए, किसी प्रोसेस के लिए यानी कि किसी प्रक्रिया के लिए, किसी प्लांट के लिए, किसी पौधे की प्रजाति जो हमने खोजी है उसके लिए भी हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में 2 तरीके के पेटेंट दिए जाते हैं, पहला होता है प्रोडक्ट पेटेंट, दूसरा होता है प्रोसेस पेटेंट। ठीक है,
प्रोडक्ट पेटेंट, यानी कि आपने कोई क्रीम बनाई है, आपने कोई पाउडर बनाया है, आपने कोई काढ़ा बनाया है, आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, उस पे आपका पेटेंट होगा, उस पे आपका कानूनी अधिकार होगा, आपके अलावा कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता, या आपकी कंसेंट, आपकी अनुमति के बिना यूज़ नहीं कर सकता। प्रोसेस, आपने कोई प्रक्रिया बनाई है कि भाई इस तरीके से इंजेक्शन दो, इस तरीके से इंजेक्शन मत दो, है ना, इस तरीके से खाना खाओ, उस तरीके से खाना नहीं खाओ, तो आपने कोई प्रोसेस की है, इस तरह से जो है कपड़े बनाओ, इस तरीके से बल्ब बनाओ, इस तरीके से एनर्जी प्रोडक्शन करो, ऊर्जा उत्पादन करो, तो आपने कोई नई प्रक्रिया यदि सोची है, बनाई है, तो उस प्रक्रिया के लिए भी आप पेटेंट ले सकते हैं भारत के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय पेटेंट कार्यालय जो है ये किस मिनिस्ट्री, किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये काम करता है कहाँ पर, जो हमारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, उसमें जो कमर्शियल जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये काम करता है। और कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, इसके अंतर्गत काम करता है। ठीक है, और भारतीय पेटेंट कार्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। इसके अलावा तीन क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली में। ठीक है, थ्री रीजनल ऑफिस आर इन चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। ठीक है, तो ये है हमारा पेटेंट। पेटेंट किसके लिए दिया जाता है, जल्दी जल्दी एक बार फिर से देख लें, तो पेटेंट जो होता है किसी भी उत्पाद या प्रक्रिया या पौधों की प्रजाति के लिए दिया जा सकता है। किसके लिए, वो जिसने खोजा हो, जिसने कोई बनाया हो, जिसने कोई इन्वेंशन या आविष्कार किया हो। कितने सालों के लिए मिलता है, 20 सालों के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है, उसी देश में मिलता है जिस देश में आपने पेटेंट फाइल किया हो। उस देश के बाहर यदि आपको, यानी कि आपको अपने काढ़े की रेसिपी के लिए अमेरिका में पेटेंट चाहिए, तो आप अमेरिका में जाके पेटेंट मांगेंगे कि भाई मेरा पेटेंट है इंडिया में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा काढ़ा अमेरिका में भी कोई मेरी परमिशन के बिना बनाए। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो इट इज़ अ इलीगल, इट विल कंसिडर एज इलीगल, इसे क्या माना जाएगा, कानून का उल्लंघन। ठीक है, चलो, इंडियन पेटेंट एक्ट कब आया था, 1970 में, इन 1970। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोलकाता में है। रीजनल ऑफिस कहाँ पर है, चेन्नई, न्यू दिल्ली और मुंबई में। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। मार्क का मतलब क्या होता है, चिन्ह। तो कोई व्यापार चिन्ह मतलब आप कोई ऐसा सिंबल, आप ऐसा कोई लोगो यूज़ कर रहे हैं जिसके द्वारा लोग समझ जाएं, कुछ कोई अनपढ़ भी यदि वो लोगो, ये वो सिंबल देखे तो समझ जाए कि भाई ये तो उनकी कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं रीबॉक के शूज़, हम लोग देखते हैं नाइकी के शूज़, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर जो लोगो है उनका, जो सिंबल है, चिन्ह है, वो हम समझ जाते हैं देखकर, कोई चीज़ नॉन वेज है, कोई चीज़ वेज है, तो ग्रीन सिंबल है तो वेज है, रेड सिंबल है तो नॉन वेज है ना, मांसाहारी है, तो हम इस तरीके से समझ जाते हैं। तो ऐसे व्यापारिक चिन्ह जिसके द्वारा किसी भी व्यापारी, किसी भी बिजनेस पर्सन को, किसी भी इंडस्ट्री को व्यापार करने की एक पहचान मिलती है, एक आइडेंटिटी मिलती है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जिस कंपनी का होता है उसे कोई और यूज़ नहीं कर सकता, ये याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब, यूट्यूब का ये ट्रेडमार्क है, कोई और इसे ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कर सकता। मैकडोनल्ड का एम कोई और यूज़ नहीं कर सकता। गूगल, एप्पल, सैमसंग, कोको कोला, इन सबको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो व्यापारिक चिन्ह जिनका यूज़ करके, दे आर दी दीज आर दी कमर्शियल सिंबल्स अंडर विच इंडस्ट्री और अ पर्सन कैन परफॉर्म हिज और इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज, जिनके अंतर्गत अपनी व्यापारिक गतिविधियाँ वो करता है। ठीक है, जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है, वैसे तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जो, कितने समय के लिए मिलता है ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क आपको मिल सकता है वैसे तो मैक्सिमम 20 ईयर्स के लिए, भारत में ये 10 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन आप इसे इनडेफिनिट टाइम के लिए, अनंत समय तक के लिए आप इसको बार बार रिन्यू कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस दे के आप बार बार इसे हर 10 साल के बाद वापस से रिन्यू कर सकते हैं। मतलब कोका कोला क्या कह सकता है कि मेरे बॉटल का शेप कुछ इस तरह का है और मेरी जो बॉटल का शेप है वो कोई और यूज़ ना करे, पेप्सी या माजा वाले यूज़ ना करें, तो वो क्या करेगा, हर 10 साल में अपने ट्रेडमार्क कोका कोला को बार बार रिन्यू कराता रहेगा। ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट इंडिया में कब आया, तो ट्रेडमार्क एक्ट जो है इंडिया में आया था 1999 में, 1999
इन न्यायालयों में। ट्रेडमार्क के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो आई होप आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क दोनों समझ में आ गए होंगे। इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा मत होना। एक्ट कब आया था ये याद रखना, किस तरह की किन चीज़ों के लिए दिया जाता है ना, कितने समय के लिए दिया जाता है, हेडक्वार्टर क्या है, कौन सा विभाग है, तो कौन सा विभाग है हमने देख लिया था, है ना। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यहाँ पर है, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। दैट्स इट, इतना पढ़ना याद करना सफिशेंट होगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। सो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे दूसरे जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनके साथ। कोई भी यदि डाउट है, यदि कोई और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना, या मेरी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे बता सकते हो। ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।